या कहें बोर्डम या बोरियत महसूस करने के लिए गहरी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इतिहास गवाह है, महान बुद्ध महावीर जैसे दुर्लभ लोगों ने इसे महसूस किया। ऊब एक प्रकार का आशीर्वाद है जो जीवन के अर्थ की खोज को जन्म देता है। जब साधारण जीवन के अर्थ भर नहीं पाते तब ऊब महसूस होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी ही जान जाता है कि बाहरी चीज़ें कभी भी आंतरिक संतोष या अर्थ प्रदान नहीं कर सकती, और जब तक ये आंतरिक अनुभव नहीं होता ऊब बनी रहेगी और हर दिन भारी होती जाएगी। यहाँ पर दो संभावनाएं हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण जो केवल तर्क के माध्यम से जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश करता है और वह असफल रहता है, लेकिन पूर्व का विकल्प भिन्न है। जब मन और तर्क असफल हो जाते हैं तो ये जीवन की असफलता नहीं है, ये केवल दर्शाता है कि तर्क ने जो कर सकता था वह कर चुका है, अब तुम्हें अपने होने के गहरे क्षेत्रों की खोज करनी होगी। पूर्व अपने मन को छोड़ जीवन को नहीं छोड़ता और हृदय की ओर भावनाओं की दुनिया की ओर अग्रसर होता है, और तब अचानक बड़ा अर्थ उभरता है, ऊब गायब होने लगती है। ऊब एक आशीर्वाद है, ये खोज के लिए एक प्रेरणा है, ये ईश्वर की ओर एक प्रेरणा है। पश्चिमी दृष्टिकोण विफल हो गया है, ये एक बिंदु पर आ गया है जहां अब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम अटक गया है, लेकिन पूर्वी दृष्टिकोण विफल नहीं हुआ है और वह कभी विफल नहीं होगा। लेकिन पश्चिम तभी पूर्व की ओर बढ़ सकता है जब उसका दृष्टिकोण विफल हो जाए। अब वह समय आ गया है जब पश्चिम पूर्व को समझ सकता है और मिलन संभव है। ऊब एक मौका है उस भीतर के जगत में प्रवेश करने का, इसका उपयोग करो और फिर तुम महसूस करोगे तुम ऊब के अनुभव के लिए कृतज्ञ हो, जो कि पीड़ादायक है और व्यथा से भरा हुआ है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति दुख को भी आनंद में परिवर्तित कर सकता है, और मूर्ख व्यक्ति आनंद के लिए सभी अवसरों को नष्ट करता रहता है और उस ऊर्जा से दुख पैदा करता रहता है जिससे वह अपने भीतर का स्वर्ग बना सकता था। स्वर्ग पहले से वहाँ है, तुम्हें केवल 180 डिग्री का मोड़ लेना है, अपनी बाहर जाती ऊर्जा को भीतर अपनी ओर मोड़ना है। प्रणाम।